Very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 3 of your history book. The name of the chapter is Ruling the Countryside. In our last class, we discussed about the problem. We discussed about the niche cultivation. After that, problems associated with the niche cultivation. After that, we have seen the Ryoti system and the process of indigo production. We all have seen about, we all have studied about that thing. So now, our today's topic is the Blue Rebellion and after. First of all, what is the meaning of rebellion? Rebellion means protest. To protest. जब कोई protest करता है किसी चीज के against में कोई step लेता है उसको हम rebellion बोलते हैं. ठीक है ना. ब्लू, ब्लू इज अ टर्म, ब्लू कलर का यूज किया है, ब्लू टर्म यूज किया है यहाँ पे. क्यों यूज किया है? बिकॉज इंडिगो से कौन सा कलर प्रोड्यूस हो रहा है? इंडिगो से आपका ब्लू कलर प्रोड्यूस हो रहा है. तो ये इंडिगो के अगेंस्ट में जो था, इंडिगो के अगेंस्ट में एक रिबेल था, प्रोटेस्ट था. दैट्स व्हाई दिस इज द ब्लू रिबेलियन एंड आफ्टर. So in March 1859, thousands of Ryots, Ryots means cultivators, Ryot means cultivators. 1859, thousands of Ryots in Bengal refused to grow indigo. As the rebellion spread, Ryots refused to pay rents to the planters and attacked indigo factories armed with swords and spears. Now 1859 में हजारों रयतों ने, कल्टीवेटर ने क्या किया, बंगाल के कल्टीवेटर्स थे, उन्होंने इंडिगो को ग्रो करने से मना कर दिया. और जैसे जैसे ये रिबेलियन स्प्रेड हुआ, ठीक है, जैसे जैसे ये रिबेलियन, ये प्रोटेस्ट जो है बढ़ता गया, गांव से गांव बढ़ता गया, वहां वहां रयोत जो कल्टीवेटर्स थे, रयोत्स जो थे वो रेंट्स पे, प्लांटर्स को रेंट पे करने से के लिए डिनाई कर रहे थे. वो इंडिगो फैक्ट्रीज में क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे. किस चीज से अटैक कर रहे थे? आर्म्ड विद स्वॉर्ड्स, मतलब कि उनके पास तलवारें थी, उनके पास स्पेयर्स. स्पेयर्स क्या होता है? भाला होता है. ठीक है, भाले थे. बोज एंड एरोज, एरोज एंड बोज एंड एरोज उनके पास थे. वुमेन टर्न्ड अप टू फाइट विद पॉट्स, पैंस एंड किचन इम्प्लीमेंट्स. अब वुमेन के पास और कोई वेपन नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, किचन इम्प्लीमेंट्स का ही यूज करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. वो पॉट्स, जितने भी यूटेंसिल्स थे वो लेकर आने लग गई, पैंस लेके आ गई, किचन के जितने भी बेलन वगैरह होते हैं ना, सब कुछ वो उठा के लेकर आ गई. और उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिबेल किया. दोज हु वर्क्ड फॉर द प्लांटर्स वर सोशली बॉयकॉटेड. और जो भी प्लांटर्स के लिए काम करते थे, ठीक है, उनके नीचे जैसे एजेंट्स वगैरह होते थे ना, जो भी काम करता था उनको सोशली बॉयकॉट, मतलब सोशली सोसाइटी में क्या कर दिया था, कोई जगह नहीं दी जाती थी उनको, सोशली बॉयकॉट कर दिया जाता था. एंड द गोमस्तास, गोमस्तास किसको बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, जो भी एजेंट्स होते हैं ना प्लांटर्स के, उनको उस टाइम पे गोमास्त बोलते थे. वो लोग क्या बोलते थे? गोमास्त. अगर क्वेश्चन अराइज होता है, टर्म आइडेंटिफाई द टर्म एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स, दे वर नोन एज गोमास्त. नाउ वट वॉज द मेन वर्क ऑफ गोमास्त? दे केम टू कलेक्ट रेंट. They came to collect rent. And जब भी वो rent को collect करने आते थे, उनको क्या है, वो women अपने pots, pans, kitchen implements, बेलन वगैरह जो मिल रहा था उससे पिटाई कर रही थी उनकी. और जितने भी आपके रयोट्स थे, जो वो तलवार भाले जो मिल रहे थे उससे अटैक कर रहे थे, उससे मार रहे थे. रयोट्स वॉर, they would no longer take advances to sow indigo nor be bullied by the planters. लठिहाल्स, द लाठी वर्डिंग स्ट्रॉन्ग मैन मेंटेन्ड बाय द प्लांटर्स. अब जो रयोट्स थे उन्होंने कसम खा ली थी, दे स्वॉर टू गॉड दैट कि हम अब कभी भी लोन नहीं लेंगे. वी वुड नॉट लाइक टू टेक लोन्स फ्रॉम द प्लांटर्स एंड वी विल नॉट बी बुलेड बाय द प्लांटर्स. लठियाल्स, जो भी उस टाइम पे लठियाल्स, जो एज अ बॉडी गार्ड लठियाल्स को रखा जाता था उस टाइम पे, जो लाठी से वॉर किया करते थे, तो इनसे हम डरेंगे नहीं और हम कभी भी इनसे अब लोन नहीं लेंगे. बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट द सिस्टम कि इस सिस्टम ने हमें बहुत ज्यादा ऑप्रेस कर रखा है, बहुत ही ज्यादा ये सिस्टम हमें क्या कर रहा है कि बहुत ही हार्श सिस्टम है ये. सो व्हाई डिड इंडिगो पेजेंट्स डिसाइड दैट दे वुड नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट? क्वेश्चन ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैम ये सारी चीजें की क्यों उन्होंने,
ठीक है, उनको कहीं ना कहीं वैसे तो प्रॉफिट हो ही रहा था ना. व्हाट गेव देम टू पावर टू रिबेल, क्या ऐसी क्या पावर मिली कि वो इस प्रोटेस्ट करने लग गए, रिबेल करने लग गए. क्लियरली द इंडिगो सिस्टम वॉज इंटेंसली ऑपरेसिव बट दोज हु आर अपोज्ड डू नॉट ऑलवेज राइज अप इन रिबेलियन, दे डू सो ओनली एट टाइम्स. सो पहले तो क्या करते थे जितने भी ये इंडिगो सिस्टम था, मतलब ऑब्वियसली ऑपरेसिव तो था ही, बट जो ऑपरेस्ड हुए हैं उन्होंने कभी भी रिबेल नहीं किया. मोस्टली जो थे बहुत ही कम ऐसा होता था कि वो रिबेल किया करते थे. उनको रिबेल करने के लिए बहुत ही ऐसे कम लोग होते थे जो ऐसे स्टेप्स लेते थे. सो इन 1859 द इंडिगो रायोट्स फेल्ट दैट दे हैड द सपोर्ट ऑफ द लोकल जमींदार्स एंड विलेज हेडमैन इन देयर रिबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स. देखिए अब क्या है, एक सपोर्ट मिल गया तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि लोकल जमींदार हमारे साथ में है, विलेज हेडमैन हमारे साथ में है, तो हमें प्लांटर्स के अगेंस्ट रिबेल करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए. इन मेनी विलेजेस हेडमैन हु हैड बीन फोर्स्ड टू साइन इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स मोबिलाइज्ड द इंडिगो पेजेंट्स एंड फॉट पिच्ड बैटल्स विद द लाठियार्स. ठीक है, अब जितने भी ये विलेज के हेडमैन वगैरह हैं उनको भी फोर्स किया जा रहा था ना कि आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाइए, और वो मोबिलाइज कर रहे थे, मतलब मोबिलाइज मींस टू मूव. वो इंडिगो पेजेंट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे थे. अब वो भी एक बैटल ही लड़ रहे थे, लठियाल्स के साथ एक वॉर ही लड़ रहे थे. सो बहुत सारे जगह पे क्या हो रहा था, जमींदार्स वेंट अराउंड विलेजेस अर्जिंग द रायोट्स टू रेसिस्ट द प्लांटर. और बहुत जगह तो जमींदार्स भी क्या कर रहे थे, रायोट्स को रेसिस्ट कर रहे थे, इन्फ्लुएंस कर रहे थे उनको, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप प्लांटर्स के अगेंस्ट क्या करें, आप प्लांटर्स के अगेंस्ट में आवाज उठाएं, रिबेल कीजिए. These zamindars were unhappy with the increasing power of the planters. Obviously, planters की जो power है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और उनको ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए बहुत ज्यादा नाखुश थे वो, unhappy थे. And angry at being forced by the planters to give them land on long leases. और इस चीज से भी बहुत वो unhappy थे कि उनको forcefully planters को जो है अपनी land बहुत long, मतलब 20-20 साल, 25-25 साल तक जो है lease पे देनी पड़ रही थी, rent पे देनी पड़ रही थी. So the indigo peasants also imagined that the British government would support them in their struggle against the planters. Indigo peasants को ये भी पता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके प्लांटर्स के अगेंस्ट में इनको सपोर्ट करेंगे. सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इसको, ये फर्स्ट रिवॉल्ट था आपका इंडियंस का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में. ठीक है, सो आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज पर्टिकुलरली वरिड अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अनदर पॉपुलर रिबेलियन. तो धीरे धीरे फर्स्ट ये जो रिवॉल्ट हुआ 1857 का रिवॉल्ट जो हुआ, उसके बाद जिसमें आपकी झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, इन सब ने क्या किया था, लड़ाई लड़ी थी. और इस रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर था कि ये लोग एक दूसरा रिबेलियन ना कर दे, प्रोटेस्ट ना कर दे. सो व्हेन द न्यूज स्प्रेड ऑफ अ सिमरिंग रिवॉल्ट इन द इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स, द लेफ्टिनेंट गवर्नर टूर द रीजन इन द विंटर ऑफ 1859. द रायोट सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपथी फॉर देयर प्लाइट. व्हेन इन बरसात द मैजिस्ट्रेट बारासात द मैजिस्ट्रेट एशले एडेड इशूड अ नोटिस स्टेटिंग दैट रायोट्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स. Word went around that Queen Victoria had declared that indigo need not be sown. Eden was trying to placate the peasant and control an explosive situation, but his action was read as support for the rebellion. Now, ये जो indigo peasants थे, ये जो क्या हो रहा था, धीरे-धीरे news अब ये spread की indigo districts में, ये इस revolt की जो है news फैलने लग गई थी. अब उस time पे TV वगैरह वगैरह भी था नहीं, तो ऐसा तो है नहीं कि एकदम से news चली जाएगी, तो धीरे-धीरे खबर पहुंच रही थी. तो जैसे जैसे ये खबर पहुंच रही थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, उन्होंने 1859 में एक टूर किया इस बंगाल रीजन का. उन्होंने देखा कि रायोट जो है सॉ द टूर एज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट सिंपथी फॉर देयर प्लाइट, की इनकी जो दुख का कारण है ये जो ऑपरेसिव सिस्टम है इसके अगेंस्ट में ये क्या कर रहे हैं,
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इनके साथ सिंपथाइज करने आए, इनके सपोर्ट में है। और बरासात में जो मजिस्ट्रेट थे, मतलब जो जज थे एशली एडन, उन्होंने इशू भी नोटिस किया था कि रयोत को इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, और ये क्वीन विक्टोरिया का जो है मैसेज है उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन, इंडिगो को अब ग्रो करने की कोई जरूरत नहीं है। सो एडन वाज ट्राइंग टू प्लैकेट द पेजेंट्स एंड कंट्रोल एन एक्सप्लोसिव सिचुएशन, वो तो रोकना चाह रहे थे, प्लैकेट द पेजेंट्स मतलब कि वो रिबेल ना करे और रिबेलियन से रोकना चाह रहे थे और एक्सप्लोसिव सिचुएशन होने से रोकना चाह रहे थे। बट उस टाइम पे रयोट्स ने इस चीज को कैसे कंसिडर किया, दे कंसिडर्ड इट एज अ सपोर्ट फॉर द रिबेलियन, कि वो रिबेल करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। So as the rebellion spread, intellectuals from Calcutta rushed to the Indigo districts. They wrote of the mystery of the Rayots, the tyranny of the planters, and the horrors of the Indigo system. जैसे जैसे rebellion जो है spread होने लगा, जितने भी intellectuals, मतलब जो intelligent persons होते हैं ना उनको बोलते हैं intellectuals. Intellectuals थे जितने भी Calcutta से, वो Indigo districts में आए, जहाँ जहाँ पे Indigo को grow किया जाता था उन districts में वो आए। उन्होंने जितने भी misery मतलब जो oppressive situation थी ना रयोत की, उस सिचुएशन के बारे में लिखा। द टिरनी ऑफ द प्लांटर्स मतलब कि टिरनी मतलब क्या होता है, मनमानी करना। प्लांटर्स क्या कर रहे थे, अपनी मनमानी दिखा रहे थे। तो ये जो भी मनमानी चल रही थी प्लांटर्स की, आर्बिट्रेरीनेस चल रहा था प्लांटर्स का, और जो भी इंडिगो सिस्टम के जितना भी ऑप्रेसिव सिस्टम था, इतना हॉरर सिस्टम था, इस चीज के बारे में जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे कलकत्ता के, उन्होंने ये सारी चीजें लिखी। Worried by the rebellion, the government brought in the military to protect the planters from assault and set up the Indigo Commission to inquire into the system of Indigo production. The commission held the planters guilty and criticized them for the coercive methods they used with the Indigo cultivators. It declared that Indigo production was not profitable for Rayots. The commission asked the Rayots to fulfill their existing contracts, but also told them that they could refuse to produce Indigo in future. अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस rebellion से बहुत ज्यादा वो अब घबरा गए थे, British government बहुत ज्यादा चिंता में आ चुकी थी कि अगर ये rebel हो गया तब तो बहुत ज्यादा problem हो जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट ने प्लांटर्स को जो है एक मिलिट्री प्रोटेक्शन दी, और जहां पे भी और एक इंडिगो कमीशन को बनाया और इंक्वायरी बिठाई गई कि आप इंडिगो प्रोडक्शन का जो भी सिस्टम है उस चीज को इंक्वायरी करें उस चीज की। और कमीशन ने जो है प्लांटर्स को गिल्टी माना, बोला कि आपने बहुत ही कोएर्सिव मेथड्स जो है आपने यूज किए, यू ऑल यूज्ड कोएर्सिव मेथड्स, मतलब बहुत ही हार्श मेथड्स आपने यूज किए इंडिगो कल्टीवेटर्स के साथ में। उन्होंने ये चीज डिक्लेयर की कि ये बिल्कुल भी जो इंडिगो कल्टिवेशन है रयोत के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। कमीशन ने कहा कि रयोत जो है, जो भी एग्जिस्टिंग आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है 1 साल का 2 साल का, अब वो कंप्लीट कर दीजिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आपको फ्यूचर में आप इंडिगो प्रोडक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर द रिवॉल्ट इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स्ड इन बंगाल। ऑब्वियसली इस रिवॉल्ट के बाद 1859 का ये जो रिवॉल्ट था, रिबेलियन होने लगा धीरे धीरे। इस रिवॉल्ट के बाद इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो चुका था धीरे धीरे, मतलब गिरावट आने लग गई थी। बट द प्लांटर्स नाउ शिफ्टेड देयर ऑपरेशन टू बिहार विद द डिस्कवरी ऑफ सिंथेटिक डाइज इन द लेट 19th सेंचुरी। देयर बिजनेस वॉज सीवियरली अफेक्टेड बट येट दे मैनेज्ड टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। When Mahatma Gandhi returned from South Africa, a peasant from Bihar persuaded him to visit Champaran and see the plight of the indigo cultivators there. Mahatma Gandhi's visit in 1917 marked the beginning of the Champaran movement, or you can say Champaran Satyagraha against the indigo planters. अब indigo planters बंगाल में तो fully collapse हो चुका था, अब planters को भी, अब planters भी जो है इसका क्या देख रहे थे, एक alternative देख रहे थे। तो उन्होंने ये indigo cultivation बिहार में start कर दिया। उस टाइम पे सिंथेटिक डाइज भी जो है वो क्या हो चुकी थी, डिस्कवर हो चुकी थी, डिस्कवर कर चुका था, सिंथेटिक डाई का भी डिस्कवरी हो गई थी। तो ऑब्वियसली इंडिगो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था इससे, बट फिर भी वो अपना प्रोडक्शन को
क्या कर रहे थे, मैनेज कर चुके थे, उन्होंने एक्सपैंड कर लिया था अपना प्रोडक्शन. इवन महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से 1915 में रिटर्न हुए ना, तो उनको एक पेजेंट है बिहार का, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट की, परसुएटेड मींस रिक्वेस्टेड हिम टू विजिट चंपारण. आप बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आइए और वहां पे जो भी प्लाइट मतलब जो सिचुएशन है इंडिगो कल्टीवेटर्स की, जो सिचुएशंस है उसे देखने को बोला. और उसके बाद महात्मा गांधी ने 1917 में वहां पे विजिट किया और उन्होंने देखा कि चंपारण मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह चलाया किसके अगेंस्ट में, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में. ये पहला सत्याग्रह था जो गांधी जी ने इंडिया में चलाया था, फर्स्ट चंपारण सत्याग्रह. ओके, आफ्टर दैट एल्सवेयर इंडिगो मेकिंग इन द वेस्ट इंडीज. देखिए एक बॉक्स गिवन है. So in the early 18th century, a French missionary, Jean Baptiste Labatt, traveled to the Caribbean islands and wrote extensively about the region. Published in one of his books, this image shows all the stages of indigo production in the French slave plantation of the region. Caribbean island में एक जीन फ्रेंच मिशनरी थे, जीन बैपटिस्ट लेपिस्ट, उन्होंने कैरेबियन आइलैंड में वो ट्रेवल किया और उन्होंने इस रीजन के बारे में लिखा. और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन पे, तो स्क्रीन में ये जो पिक्चर दिखा रही है, जितना भी स्टेजेस होते हैं इंडिगो प्रोडक्शन के, उस इंडिगो प्रोडक्शन के स्टेजेस को इस पिक्चर में शो किया गया है. और उस टाइम पे स्लेव प्लांटेशन मतलब स्लेव्स, गुलाम लेकर आए जाते थे और उनसे ही क्या क्या करवाया जाता था, सारा लेबर वर्क करवाया जाता था. सो यू कैन सी द स्लेव वर्कर्स पुटिंग द इंडिगो प्लांट इनटू द सेटलर वेट ऑन द लेफ्ट. अब लेफ्ट में देखिए सेटलर वेट में वो क्या कर रहे हैं, इंडिगो प्लांट को डाल रहे हैं. Another worker is churning the liquid with a mechanical churner in a vat. और फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, वो mechanical churner से क्या कर रहा है, वो उसको stir कर रहा है pulp को. Two workers are carrying the indigo pulp hung up in bags to be dried. ये देखिए दो indigo pulps को hang करके लेके जा रहे हैं और वो dry करने के लिए लेके जा रहे हैं यहाँ से. In the foreground, two others are mixing the indigo pulp to be put into molds. ये देखिए हाँ, मोल्ड्स में डालने के लिए वो क्या कर रहे हैं, इंडिगो पल्प का यूज कर रहे हैं. द प्लांटर इज एट द सेंटर ऑफ द पिक्चर स्टैंडिंग ऑन द हाई ग्राउंड सुपरवाइजिंग द स्लेव वर्कर्स. ये जो आप प्लांटर देख रहे हो यहाँ पे, ये वाली जो इमेज देख रहे हो, ये प्लांटर क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है. किसको सुपरवाइज कर रहा है, जितने भी स्लेव वर्कर्स हैं उनको सुपरवाइज कर रहा है. सो क्लास, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. गो थ्रू दिस चैप्टर. And if you face any problem, do let me know. I already sent you the PDF work of this chapter. So complete the work as soon as possible and send it to me. Thank you so much. Bye-bye. Take care.